अच्छा तारा कनेक्शन किया जा रहा है। ये तो मेरा स्क्रीन खराब हो चुका है, यहाँ पे भी लाल लाल दिख रहा है, कुछ दिन में ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ही होगा और व्हाइट हो जाएगा, ग्रीन से व्हाइट। बेचारा भैया वाईफाई के चक्कर में आज खाना भी नहीं खाया। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नागिन ड्रीम में। तो यहाँ पे मैं एयरटेल का स्ट्रीम फाइबर लगवा रहा हूँ। तो यहाँ नीचे बंडल लगा हुआ है, करीब 3,400 रुपये का पड़ा है। पहले बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद से एक दो दिन बाद ये लोग आते हैं लगाने के लिए। तो यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 180 मीटर फ्री रहता है स्ट्रीम फाइबर। तो यहाँ से मेरा घर जो है थोड़ा सा दिखा है, तो अभी तार लोग बिछा रहे हैं, तार बिछाने के बाद वहाँ कनेक्शन करेंगे। बलिया का ग्रामीण एरिया है, तो यहाँ से बहुत ही कम ही लोगों के पास वाईफाई कनेक्शन है। फिलहाल टाइम इसमें 4 कनेक्शन लगा हुआ है, 5वां मेरा लग रहा है। स्ट्रीम फाइबर जो है 40 Mbps देता है, तो इसमें 100 Mbps भी आता है जिसकी स्पीड इससे ज़्यादा रहती है। तो मैंने सस्ता वाला प्लान लिया है 6 महीने के लिए, तो 6 महीना धुआंधार नेट चलने वाला है मेरे यहाँ। ये है चारों तरफ का यहाँ का एरिया। तो बुकिंग करने के बाद जो है कि आपके यहाँ 2-3 दिन में पहुँच जाते हैं ये लोग। अपना कॉन्टेक्ट मैसेज या मेल भेजा जाता है, उसमें लोगों कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। 180 एरिया से थोड़ा सा भी अधिक होता है तो ये लोग नहीं जाते वहाँ लगाने के लिए, क्योंकि रूल के खिलाफ हो जाता है। तो ये बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स से ही जो है वाईफाई जाएगा स्ट्रीम फाइबर एयरटेल का। यहाँ जियो का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं रहता है, हालांकि इसे नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है, इसमें तार जो होता है इसके द्वारा सिग्नल भेजता है। तभी दो लोग लगे हुए हैं वहाँ पोल पे बांध रहे हैं, तो इसे पोल पोल बांधते हुए घर तक ले जाएंगे। तो अभी मेरा घर की दूरी थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा अभी वहाँ है। तो ये भैया हैं, इनके घर में भी वाईफाई लगा हुआ है। इन लोग की गाड़ी बैग में रखे हुए हैं सारा सामान अपना जो भी लगाने के लिए है। तो बलिया में एकमात्र यही है एयरटेल का जो फाइबर लगाते हैं स्ट्रीम फाइबर, राहुल शाह नाम इनका। तो ये है उसका बॉक्स और यहाँ से कनेक्शन होते हुए जा रहा है। अभी वो राहुल शाह जो हैं लगे हुए हैं पूरे। तो अगर आप भी बलिया के रहने वाले अगर लगाना चाहते हैं वाईफाई, तो उनका मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में सामने लगा दूंगा, आप चाहें तो लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दिया। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। भाई खोला ना, भाई तो अपन लोग के एरिया में तो लग रहा है ये एयरटेल का स्ट्रीम फाइबर वाईफाई। तो राहुल साहब भैया लगा रहे हैं, अकेले पूरे बलिया को यही हैंडल करते हैं। तब राहुल भैया ठीक है, सही बात है कि नहीं? हाँ एकदम सही बात है, अकेले डील कर रहे हैं बेचारे, इनका होंठ सूख जा रहा है। तो इनको अभी चलते हैं ठंडे की दुकान में, ठंडा पिया जाएगा, ठंडा ठंडा एकदम।
दोस्तों वाईफाई के दोनों तारों को जोड़ने के लिए मशीन की हेल्प ली जाती है। मशीन जो है इसमें दोनों वायर को छील करके एक पास रख दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन जो है अपने आप से दूसरे को अपनी तरह अट्रैक्ट करके उसको आपस में जोड़ देती है। इससे दोनों का कनेक्शन एक साथ हो जाता है। तो वाईफाई का तार बहुत ही नाजुक होता है। इसमें तीन वायर होते हैं जिसमें से एक जो आप अभी देख रहे हैं ये मेन वायर है, इसी से है जो सिग्नल भेजता है वाईफाई का। तो इसके साथ में मीटर भी लगा रहता है कि बताता है कि इसमें एक दूसरे से आपस में तार जुड़े हैं या नहीं। तो ये प्रोसेस करने के लिए एयरटेल कंपनी की तरफ से मशीन लोगों को दी जाती है जिससे कि आसानी से अपने काम को कर सकें। तो रजिस्ट्रेशन करने वाले और वाईफाई लगाने वाले दोनों दो लोग होते हैं। तो इन लोगों की ड्यूटी रहती है केवल वाईफाई का कनेक्शन करना, और जो एक लोग होते हैं उन लोग वाईफाई का रजिस्ट्रेशन करते हैं। कितना बारीक है, एकदम बहुत बारीक तार है ये। अभी कनेक्शन इसमें हो चुका है। बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, फिर हम भी साथ में लगे हुए। तो वाइस संपर्क नहीं करे तो बंद कर देना अपना वाइस। मैं तो कितना छोटी मशीन से बाहर आओ तो साथ में यहाँ पर एयरटेल वाईफाई के साथ में आपको एक डाटा केबल दिया जाता है जिससे आप टीवी आसानी से चला सकते हैं। साथ में दो बॉक्स मिलते हैं, एक वाइट कलर में एक ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर वाला मेन बॉक्स होता है जिससे वाईफाई का सिग्नल भेजता है। तो फिलहाल टाइम में अभी जो ये कस रहे हैं ये फर्स्ट बॉक्स है, ये पहले लगेगा, इसके बाद से सेकेंड बॉक्स लगेगा। इसके साथ आपको एडाप्टर भी मिलता है, ये बिजली द्वारा संचालित होता है। तो अगर आपका घर 180 एरिया के अंदर में आता है तो आप बेशक लगवा सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वायर के माध्यम से जाता है। चलो भैया वहां उंगली दिखा के अपनी हैप्पीनेस दिखाओ। ऐसे पोज दिया जाता है, ऐसे पोज दे, दोनों हाथ से उधर ही को डायरेक्शन कर रहे हो। हां क्या उंगली वर्ध हो गया। अब बस कर, फोटो नहीं है वीडियो है। चलो इसे दिखा दो भाई। आइसक्रीम खाए वाला चुका है, यहां पे भी लाल लाल दिख रहा है, कुछ ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन ही होगा, अरे वाइट हो जाएगा। भैया को पता ही नहीं क्या होगा। अब दूसरा कलर चेंज हो गया, देखो यहाँ पर एयरटेल वाईफाई एक्टिवेट होते ही इसमें दो सिग्नल आ रहा है, एक 5G दूसरा 4G। तो 5G की रेंज थोड़ी कम है और 4G की रेंज थोड़ी ज़्यादा है। तो एयरटेल में 5G आ गया है करेंट टाइम में। पूरे बलिया में यही है। तो वो जो आते इसके पर जो कर रहे थे कि वही लगाता, बस यही लगाते हैं। तो वो कैसे करते कि इधर से हम घुमा के लेके जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करके चले जाते, लगाने के लिए केवल यही आएंगे। कुछ गड़बड़ होगा तो हम ही चेक करेंगे, हर चीज यही चेक करेंगे। ये चीज अब स्पीड आ गया है। तो
हाँ वो आए थे तो बता नहीं रहा था कि उनका लगा है किसी का, वही जो पिछला वाला कह रहा था कि देखिए उनका लग गया है उतने मीटर में आता है, आप कैसे घूमा के आएंगे रोडे रोडे। बेचारा भैया वाईफाई के चक्कर में आज खाना भी नहीं खाया। चलो बेचारा खाया नहीं, नहाया नहीं, ना कपड़ा धो रहा था। चलो खा लो भैया, कितना टाइम हो गया, उसके बाद तुमको मार्केटिंग भी करने जाना है। नहीं अभी नहीं, अभी आएगा तुम बता। नागेंद्र लिख दो ना छोटा सा एंड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग मेरी अच्छी लगती है ना तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया है ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई रिक्वेस्टेड या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।